अंबेडकर जन्म जयंती है और हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम कल याद ही नहीं करेंगे, उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे और उनके जीवन को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन से हम प्रेरणा लेकर के सामाजिक समरसता की ओर बढ़ेंगे। मेरा निवेदन है कि सबसे पहले अंबेडकर जी की तस्वीर पर कल सवेरे आप माल्यार्पण करें, घर में करें, माल्यार्पण की फोटो आप अपलोड करें, अपने सोशल मीडिया में उसको प्रचारित करें, प्रसारित करें। दूसरा, प्रदेश के अध्यक्ष के संदेश आएगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां हमारी सरकारें हैं उनका वीडियो संदेश आएगा, हम तुरंत उसको डाउनलोड करके सोशल मीडिया में अपने फेसबुक पर उसको चढ़ाएं और उसको प्रचारित करें, प्रसारित करें और उसको आगे बढ़ाएं, इसकी चिंता हमको करनी चाहिए। इसी तरीके से कल पार्टी ने यह भी आह्वान किया है, हर मंडल की तरफ से आपको भी आह्वान आएगा, आप उसमें योगदान कीजिए। हर मंडल में दो गरीब बस्ती बीजेपी की, महिला मोर्चा ने अलग से नहीं करना है, महिला मोर्चा ने बीजेपी का सहयोग करना है, उस मंडल के में जो गरीब बस्ती है उसमें सब लोगों को भोजन की व्यवस्था करनी है और उनको फेस कवर वहां पर पहुंचाना है उनके घर में, तो इसमें हम अपना योगदान कर सकते हैं। कुछ हम अंबेडकर जी की जीवनी पर कल कुछ पढ़ ले, लेकिन लॉकडाउन जब भी हटेगा और आप लोगों को घर से बाहर जाने की इजाजत होगी तो उस समय फेस कवर की आवश्यकता और बढ़ने वाली है और मास्क का प्रयोग हम लोगों ने करना नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद भी, आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में वो खुद एक गमछा लगा करके बैठे थे, तो हमको प्रोपोगेट करना है फेस कवर, वी हैव नॉट टू प्रोपोगेट मास्क, इसलिए फेस कवर का शब्द इस्तेमाल करें। और फेस कवर के बारे में कल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी भी आ गई है कि एक फेस कवर को कैसे यूज किया जा सकता है, उसको कैसे धोया जा सकता है, उसको धोने के बाद कैसे आयरन करना जरूरी है, उसको गर्म एनवायरनमेंट में रखना जरूरी है, उसको ओवन में रखना जरूरी है, ये सारी बातें एडवाइजरी के रूप में आई हैं। जो मैं चाहूंगा कि महिला मोर्चा जब फेस कवर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ये सारी बातें भी उनको कम्युनिकेट करें।